दूसरे टेस्ट मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से बढ़त बना ली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कितने रन से जीती है न्यूजीलैंड। नमस्कार दोस्तों, हमारे वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसमें से पहला टेस्ट मुकाबला भारत ने गंवा दिया था, लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला भी 113 रन से गंवा दिया है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या है पूरे मैच के हाईलाइट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टॉस हुआ तो पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। तो पहले दिन न्यूजीलैंड ने 259 रन 10 विकेट खोकर बनाते हैं। फिर जवाब में वही भारत 146 रन पर ही ऑल आउट हो जाती है। फिर दूसरे पारी की बात करें तो दूसरे पारी में न्यूजीलैंड ने 255 रन बनाकर भारत को 2-359 रन की लीड देती है। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने 245 रन पर ही ऑल आउट हो गई, इसमें से 113 रन से करा दिया। जब हार के बाद यशस्वी जायसवाल की सबसे ज्यादा लंबी पारी खेले। यशस्वी जायसवाल 77 रन और रविंद्र जडेजा सबसे ज्यादा भारत की तरफ से मिडिल ऑर्डर में आकर 42 रन की पारी खेली है। वहीं बात करें तो इस मुकाबले में रोहित शर्मा अनुभवी के कारण 8 रन ही सिर्फ बना पाए और विराट कोहली 17 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल 23 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत रन आउट हो गए। विराट कोहली और ऋषभ पंत पीछे गिर गए तो भागने के चक्कर में ऋषभ पंत 0 रन पर ही ऑल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। वहीं बात करें पहले टेस्ट में 150 रन बनाने वाले सरफराज खान की, तो सरफराज खान इस मुकाबले में भी ज़्यादा अच्छी पारी नहीं खेली है। सिर्फ उन्होंने 11 रन देकर मिचेल सेटनर के बाद पर आउट हो गए हैं। वहीं बात करें वाशिंगटन सुंदर की, तो वाशिंगटन सुंदर 45 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए हैं ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर। फिर वहीं बात करें अश्विन की, तो अश्विन 18 रन पर और आकाशदीप 1 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं सबसे लंबी पारी मिडिल आकर खेलने वाले रविंद्र जडेजा 42 रन की पारी खेलते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला, न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हराकर 2-0 से बढ़त बना ली है। और पहले मुकाबले में इस भारत को 8 विकेट से हराया था, तो दूसरे मुकाबले में 113 रन से हराया है। बात कहते हैं मुकाबला न्यूजीलैंड फुल 20 साल बाद जीती है और 36 साल बाद कोई सीरीज हमें लगता है जीत पाएगी इस समय न्यूजीलैंड। सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में यशस्वी जायसवाल 65 बॉल पर 77 रन की पारी खेले थे, जिसमें से 9 चौके और 3 छक्के कुल शामिल हैं। वहीं रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा 16 बॉल पर 8 रन बनाकर 1 चौके लगाकर आउट हो गए। वहीं सुमन गिल की बात करें तो सुमन गिल 31 बॉल पर 23 रन बनाकर पवेलियन कर की ओर चल दिए हैं। फिर विराट कोहली 40 बॉल पर 17 रन की पारी खेलते हैं। ऋषभ पंत को मिचेल सेटनर ने रन आउट करा देते हैं। फिर वही बात करें वाशिंगटन सुंदर की, तो वाशिंगटन सुंदर 47 बॉल पर 21 रन की पारी खेलते हैं, जिसमें से 2 चौका शामिल है। वहीं सरफराज खान 15 बॉल पर 9 रन की पारी खेलकर आउट होते हैं। वहीं रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा 84 बॉल पर 42 रन की एक अच्छी पारी खेले, लेकिन भारत को जीत दिलाने में नाकाम रहे। वहीं रविंद्र चंद अश्विन की बात करें तो रविंद्र चंद अश्विन 34 बॉल पर 18 रन बनाए। आकाशदीप 24 बॉल पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं जसप्रीत बुमराह 4 बॉल पर 10 रन बनाकर आउट हो गए। जसप्रीत बुमराह अपने इस मुकाबले में 1 चौके और 1 छक्के लगाकर खेले थे। वहीं न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड में मिचेल सेटनर 29 ओवर फेंककर 104 रन देकर भारत के कुल आधे से अधिक विकेट यानी 6 विकेट लेकर भारत को हराने में काफ़ी न्यूजीलैंड को जीतने में काफ़ी मदद की है। ग्लेन फिलिप्स 16 ओवर में 60 रन देकर 1 विकेट, जय अक्षर पटेल 12 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट लिए हैं।